हेलो गाइस, आपका स्वागत है नए वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईएसएल के बारे में। सो आईएसएल में कल था मैच मोहम्मदन एफसी वर्सेस चेन्नई एफसी, और ये मैच फाइनली फाइनली मोहम्मदन ने जीत लिया। मोहम्मदन ने अपना पहला विन आईएसएल में दर्ज करवा लिया है, और कल मोहम्मदन का एकमात्र गोल किया फानाई ने, जो कि डेफिनेटली काफ़ी बड़ा एक डिफेंसिव एरर था चेन्नई की तरफ से। लेकिन मैं एक क्रेडिट दूंगा ज़रूर कि लालडिन पुया का कल परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था, लेकिन फानाई और बाकी जितने भी मोहम्मदन के प्लेयर हैं उन्होंने कल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फुटबॉल खेला है। और जिस हिसाब से फानाई ने बॉल को एकदम लास्ट मोमेंट तक फॉलो किया, बहुत कम इंडियन प्लेयर्स वैसा करते हैं। और मोहम्मदन का एकदम यंग एनर्जेटिक स्क्वाड देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और कल अगर हम लोग देख ले तो वैसे तो चेन्नई ने घमासान अटैक किया था स्टार्टिंग से एंड तक, मतलब एकदम पूरा घुस के खेल रहे थे वो लोग। लेकिन मोहम्मदन का जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर था, लाइक उसका तारीफ ना किए हुए ये वीडियो कंप्लीट नहीं होगा। कमाल का परफॉर्मेंस उनके डिफेंस की तरफ से, और किसी ने अच्छा नहीं खेला है, चाहे वो गौरव वोरा हो या फिर लाइक यू नो रालते हो, अदेजी हो, यू नो कासिमोव हो, फिर लाइक हर एक प्लेयर ने अच्छा खेला। अमरजीत सिंह कियाम, हर एक प्लेयर ने अपने 200% दे के ये मैच को जिताया मोहम्मदन को। वैसे तो 90 मिनट्स के एकदम एंड में जाते जाते मोहम्मदन को एक और पेनल्टी मिला था, लेकिन सैडली वो पेनल्टी मिस कर दिया। काफ़ी ख़राब मैं बोलूँगा, मंजोकी को वो पेनल्टी मिला था, काफ़ी एक्सपेक्टेशन के साथ उनको साइनिंग कंप्लीट किया गया, लेकिन उनका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बिलो एवरेज है। क्योंकि आप देख लो फ्रैंका गोमेज, ये लोग तो खतरनाक खेल रहे, फनाई मकान विंकल छोटे यू नो काशिमोव, हर एक प्लेयर का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। अगर आप गोलकीपर भी देख लो यू नो पदम छेत्री, अगेन अच्छे गोलकीपर है, सॉलिड गोलकीपर, और परफॉर्मेंस भी उसी लेवल का रहा है। बड़ा चेन्नई का भी मैं ये बोलूँगा कि उन्होंने भी अच्छा फुटबॉल खेला है, चाहे वो यू नो कॉनर शील्स हो गए, फारूक चौधरी हो गए, एल शीनो, यू नो कल डैनियल चीमाचू को तो हिलने तक का मौका नहीं दिया। मोहम्मदन का डिफेंस इतना ज़्यादा स्टेबलाइज था, और कल ये जो मैच जीता है मोहम्मदन ने, इसके पीछे सबसे ज़्यादा बड़ा क्रेड अगर किसी को जाता है तो उनका डिफेंस। क्योंकि आप देख लो चेन्नई ने बहुत अच्छा गेम खेला, अगर कोई दूसरा टीम होता डिफेंस जिसका थोड़ा सा भी इधर उधर होता वो हार जाते, लेकिन एज बिकॉज इट्स मोहम्मदन, उनका डिफेंसिव स्टेबिलिटी इतना ज़्यादा बढ़िया है, लिटरली मौका ही नहीं मिला चेन्नई को कि वो ब्रेक थ्रू कर सके, और ये मैच मोहम्मदन ने 1-0 से जीत लिया है, जो कि 2-0 होना चाहिए था, ऑफकोर्स होना चाहिए था। पेनल्टी मिला था यार मंजोकी को, उन्होंने ऐसे उड़ा दिया पेनल्टी, सो वो थोड़ा सा खराब लगा देख के, बट हाँ ओवरऑल अब जीता है तो विन इज अ विन। मोहम्मदन ऑलरेडी पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा ऊपर की साइड में आ चुके हैं, फिफ्थ पोजीशन में वो आ चुके हैं, चेन्नई से ऊपर है वो, एक मैच भी ज़्यादा खेला है। बट हाँ देखते हैं कि आने वाले मैचेस में मोहम्मदन का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, एंड चेन्नई डेफिनेटली वो कम बैक तो कर ही लेंगे, जो परफॉर्मेंस है उनका, जो क्वालिटी ऑफ प्ले है उनका, कम बैक वो लोग फॉर श्योर करने वाले इन द नेक्स्ट ऑफ द मैचेस। अब हम बात करते हैं आज के मैच के बारे में, तो आज भी एक बहुत बहुत ही ज़्यादा वाइटल मैच है, एफसी गोवा वर्सेस ईस्ट बंगाल। एक तरफ है ईस्ट बंगाल जिन्होंने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी बिलो एवरेज रहा है, दूसरी तरफ एफसी गोवा जिन्होंने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता, लेकिन ऐसा ईस्ट बंगाल है जैसे दोनों ही मैच हारे, गोवा ने एक मैच हारा एक मैच ड्रॉ किया है, तो गोवा के लिए भी परफॉर्मेंस अभी तक इस सीजन का काफ़ी एवरेज बिलो एवरेज काइंड ऑफ ही रहा है। देख के वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस लग नहीं रहा है गोवा का, सो गोवा के लिए ये मैच जीतना इक्वल इंपॉर्टेंट है जितना ईस्ट बंगाल के लिए मैच जीतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये मैच भी किसी भी टीम के अगेंस्ट में जाता है, अगर मान लो गोवा ये मैच जीता तो ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट में जाएगा, और अगर ईस्ट बंगाल ये मैच जीता तो गोवा के अगेंस्ट में जाएगा, दोनों ही टीम के लिए काफ़ी ख़राब होता है, और अगर ड्रॉ होगा तो फिर भी दोनों टीम के लिए खराब होगा। सो आई थिंक एक काफ़ी घमासान मैच होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीम इस मैच में विन के लिए जाने वाले, जीतना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरलो मार्कसरो का उनके पास जितने भी हथियार है, जितने भी टैक्टिक्स है, सब उनको इस मैच में लगाना होगा, तब जाके वो थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल में एक ठीक ठाक पोजीशन में आ सकते हैं। क्योंकि इस साल गोवा का भी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है, मुंबई का भी परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं है, सो ये टॉप टीम से यार इनसे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई था, और स्पेशली गोवा बंडोरका ट्रॉफी जीत के आया है, बट फिर भी इतना ज़्यादा बिलो एवरेज परफॉर्मेंस गोवा की तरफ से काफ़ी अनएक्सेप्टेबल है। मैं मानता हूँ कि यार संदीप सिंगर नहीं आपके पास, इकर गौरक्सेना नहीं आपके पास, लेकिन जो है वो भी कुछ कम नहीं है, गोवा के पास अच्छे प्लेयर्स है, एंड कोच का काम ही वही होता है कि वो जो अवेलेबल प्लेयर्स है उनसे ही एक अच्छा गेम निकाल सके, और मेरलो मार्कसरो का वो करने के लिए काफ़ी सक्षम भी है, अपने आप को इससे पहले भी वो चीज़ उन्होंने किया है, और आई बिलीव वो आगे भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो आज का मैच बहुत ही ज़्यादा वाइटल होने वाला है एफसी गोवा के लिए। अब देखते हैं कि इस मैच का रिजल्ट फाइनली क्या होता है, एंड आपका इस मैच का प्रेडिक्शन क्या है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहन बगान सुपर जायंट्स के बारे में, तो मोहन बगान के लिए एक और थोड़ा सा ख़राब न्यूज़ है, अल्बर्टो रोड्रिगस कमबैक मतलब नहीं आने वाला है, मतलब अभी के लिए अवेलेबल नहीं है,
ऐसा नहीं कि वो आएंगे ही नहीं वापस, इन जो इंजरीज है वो अभी उससे अभी वो रिकवर कर रहे हैं। और एक और चीज़, नूनो डियाज़ वैसे कोलकाता में आ चुके, तो वो अभी थोड़ा सा ट्रेनिंग के बाद वो टीम को ज्वाइन कर जाएंगे। लेकिन जो कल मैच है मोहन बगान का बैंगलोर के अगेंस्ट में, उस मैच में एक्सपेक्ट हम लोग नहीं कर सकते, मतलब उस मैच में एक्सपेक्ट क्या है, उस मैच में एक्चुअली अल्बर्टो रोड्रिगस नहीं खेलने वाले, क्योंकि वो टीम के साथ गए ही नहीं है बैंगलोर, क्योंकि ये बैंगलोर का होम मैच होने वाला है। तो मोहन बगान का डिफेंस मेन प्रॉब्लम है, जिसमें अल्बर्टो रोड्रिगस सबसे बढ़िया डिफेंडर थे, सबसे इनफॉर्म डिफेंडर थे, वो ही अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आप देख लो मोहन बगान हर मैच में गोल स्कोर कर रहा है, हर एक मैच में, लेकिन वो जितना गोल स्कोर कर रहा है उसी के आसपास का गोल कंसीड भी कर रहा है, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। अब हर मैच में अगर 2-3 गोल कंसीड कर रहे हो, दैट इज रियली अ बिग मैटर ऑफ कंसर्न, जिसको सॉल्व करना होगा मोहन बगान को। अब देखते हैं कि अल्बर्टो रोड्रिगस कब तक फिट होके वापस आते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द रिकवर होके हम लोग फिर से उनको मोहन बगान का होके खेलते हुए देख पाए ग्राउंड में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हैदराबाद एफसी के बारे में। तो हैदराबाद एफसी ने एलेक्स साजी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो और 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा लिया है। अच्छा डिसीजन, एलेक्स साजी यार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है हैदराबाद के, उनका आप रीसेंट टाइम में परफॉर्मेंस भी देख लो, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। मैं मानता हूँ कि एलेक्स साजी या फिर हैदराबाद का रीसेंट एज अ टीम परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन इंडिविजुअल में एलेक्स साजी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा है। और यंग टैलेंटेड इंडियन प्लेयर है, फॉरवर्ड डिफेंस हर एक जगह में वो अपना रोल अदा करते हैं, या फिर वो एंथू दिखाते हैं और वो घुसते हैं बॉल के लिए, तो देख के अच्छा लगता है एलेक्स साजी का गेम। आई थिंक अच्छा डिसीजन है हैदराबाद के लिए, और लॉन्ग टर्म में फॉर श्योर एलेक्स साजी का रोल हैदराबाद में बहुत बहुत ही ज़्यादा वाइटल होने वाला है। और हम लोग उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि उनका परफॉर्मेंस भी आने वाले सीज़न में काफ़ी बढ़िया रहेगा, और इस सीज़न में भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि अब हैदराबाद को ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाना होगा। लास्ट 24 मैचेस में उन्होंने सिर्फ एक मैच जीता है, सिर्फ एक मैच, पिछले सीजन में जो एक मैच जीता था उसके बाद से हैदराबाद ने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है। रियली अ बिग मैटर ऑफ कंसर्न, और देखते हैं कि क्या होता है रेस्ट ऑफ द सीजन में। नेक्स्ट बात करते हैं रियल मद्रिद के बारे में। तो रियल मद्रिद ने इंटरेस्ट दिखाया है अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के ऊपर, और पहले भी इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन आर्नोल्ड अभी लिवरपूल में ही रहना चाहते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवा लेना चाहते हैं लिवरपूल के साथ। सेम गोज विद लिवरपूल मैनेजमेंट, लिवरपूल मैनेजमेंट भी आर्नोल्ड को अभी रिलीज नहीं करना चाहते हैं, और काफ़ी वर्ल्ड क्लास लेवल के फुल बैक हैं, और इनको रिलीज करने का कोई सेंस बनता भी नहीं। रियल मद्रिद का इंटरेस्ट दिखाना सेंस बनता है, क्योंकि उनको एक सॉलिड फुल बैक चाहिए था, और आई थिंक नो डाउट ये एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन होता है रियल मैड्रिड के लिए, लेकिन अभी के लिए तो काफी मुश्किल लग रहा है ये डील। और देखते कि क्या होता है रियल मैड्रिड अगर एलेक्स आर्नोल्ड को साइनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते, तो फिर वो कौन से फुलबैक के लिए जाने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्सेनल के बारे में। तो आर्सेनल ने इंटरेस्ट दिखाया निको विलियम्स के ऊपर, निको विलियम्स के ऊपर तो ऑलरेडी काफी सारे क्लब्स इंटरेस्ट दिखाए थे, इंक्लूडिंग बार्सिलोना, लेकिन हाँ नेक्स्ट विंटर ट्रांसफर विंडो में आर्सेनल निको विलियम्स के लिए ऑल आउट जाने वाले, लाइक लिटरली ऑल आउट जाने वाले वो, और एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द मैनेजमेंट। सो काफी बड़ा हम लोग को डील देखने को मिल सकता है। निको विलियम्स खतरनाक परफॉर्मेंस में, स्पेशली यूरो के बाद आप देख लो, लाइक टॉप टॉप परफॉर्मेंस में है निको विलियम्स। सो देखते हैं कि क्या वो फाइनली आर्सेनल में जाते हैं या नहीं। सो गाइस दिस आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, शेयर कर दोस्तों बीच में, एंड अगर अभी चैनल है चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन देना, ताकि मैं जब अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड